उत्तर प्रदेश में एक शख्स को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना भारी पड़ गया। पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करने वाले एक आम आदमी राजेश दुबे की हत्या कर दी गई है। हमला करने वाला अमजद बताया जा रहा है। यूपी पुलिस ने अमजद को दबोच लिया है। ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की है। ये पूरा मामला आपके होश उड़ा देगा। दरअसल एक गांव में शादी से लौट रही बारात की गाड़ी में ड्राइवर और दूल्हे के चाचा के बीच राजनीति पर चर्चा हो रही थी। ड्राइवर अमजद था और दूल्हे के चाचा राजेश दुबे थे। इसी बीच पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर दोनों के बीच बहस छिड़ गई। बताया जा रहा है कि अमजद गाड़ी तेज चला रहा था, जिस पर राजेश दुबे ने कहा कि आराम से चलो, देर तो कभी कभार प्रधानमंत्री को भी हो जाती है। इतनी सी बात सुनकर ही अमजद को गुस्सा आ गया। अमजद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी को भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। इसके बाद राजेश दुबे ने अमजद को रोकने की कोशिश की। राजेश दुबे ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ कर दी, लेकिन अमजद पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ सहन नहीं कर पाया। उसने राजेश दुबे को धमकाना शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर गाड़ी में मौजूद अन्य लोगों ने भी बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर अमजद ने दरवाजा खोलकर राजेश दुबे को धक्का मारकर बाहर कर दिया और उसने कथित रूप से राजेश दुबे को गाड़ी से रौंदकर मार दिया। इस घटना के बाद अमजद तुरंत गाड़ी छोड़कर भाग गया। अमजद अब पुलिस की गिरफ्त में है। हत्या के आरोपी अमजद का जबरदस्त तरीके से इलाज किया जा रहा है।